थोड़ा लेट हमारी मॉर्निंग हो रही है क्योंकि कल हम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। जो अलार्म रखा था सुबह निकलने के लिए वो सुबह के 4 बजे रखा था। धूप वगैरह ज़्यादा नहीं होती है और अच्छे से हम पहुंच सकते हैं जम्मू, लेकिन मेरी जो आँख खुली वो 9 बजे खुली और अभी 9:30 बज गए। मैं फ्रेश हो गया हूँ, ब्रेकफास्ट वगैरह रास्ते में करते अभी निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। सारा पैक हो गया, अभी जल्दी से चलते हैं यहाँ से। अभी हम 6.5 घंटे लेट है और 4 बजे निकलना था और अभी 10:30 हो गए। हारिस नीचे उतरा है बाइक स्टार्ट करने के लिए, तो अभी हम भी चलते हैं। होटल से निकल आ चुके हैं, मैप में अपना सेट कर दिया। जाना तो असल में हमें राइट था हाईवे पकड़ने के लिए जम्मू के लिए, लेकिन हम जा रहे लेफ्ट। हम जा रहे जीरकपुर, जो यहाँ से हमें 23 किलोमीटर दूर पड़ता है चंडीगढ़ मेन सिटी से। यहाँ से हमें लेना है लेफ्ट। सिग्नल हमारा लाल है इस वक्त और हमें जाना है राइट। वेटिंग सेकंड 50। अरे यहाँ पे तो दो सिग्नल है, यहाँ पे भी एक सिग्नल है, आगे भी एक सिग्नल है। यहाँ पे लाल है, वहाँ पे ग्रीन है। अभी वहाँ पे लाल हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। अरे यार जल्दी चलो, जल्दी चलो, इस गर्मी में बिल्कुल भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है बैठना। 5, 4, 3, 2, 1, गो। यहाँ भी ग्रीन और आगे भी ग्रीन। हमें जाना है राइट। यहाँ पे हमें रुकना पड़ेगा पहले ही। डीकैफन के शोरूम पहुंच गए। मेरे जो पीछे दिख रहा है ये सारा, ये डीकैफन का ये सारा जितने पे भी ये बना है, ये पूरा डीकैफन का शोरूम है यहाँ पे जीरकपुर में। तो यहाँ से आप देख, ये जितना भी सारा है इससे पार्किंग है वगैरह सारी यहाँ पे नीचे, और ये जितना भी ऊपर सारा है ये डीकैफन का शोरूम है जीरकपुर का। यहाँ से मॉल वगैरह भी, उससे मॉल वगैरह। हमें यहाँ से निकल चुके हैं, अभी जो सामान थोड़ा बहुत यहाँ से लेना था डीकैफन से वो ले लिया है। चलते हैं यहाँ से। चलिए चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से जीरकपुर से। अभी यहाँ से अभी हमें पहले चंडीगढ़ पहुँचना है, लेकिन हम बाहर हाईवे से ही निकल जाएंगे। अभी भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, सुबह ब्रेकफास्ट के बिना निकले घर से, तो देखते आगे कहीं अगर जूस वगैरह मिला तो जूस पीते पहले। धूप तो भाई बढ़ने लगी है अब। तो हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे और हम यहाँ पे रुके हैं जूस पीने के लिए। और इन भाई साहब ने अपना पहला ग्लास कर दिया यहाँ पे फिनिश। हमारा भी पहला ही ग्लास बन रहा है। हम
पे और एक गिलास पीते, रास्ते में देख लेते ब्रेकफास्ट कर लेंगे आगे। Years later. मैं रास्ते में रुके ढाबे पे एक ब्रेक के लिए, तो यहाँ पे कुछ खाते पहले खाना, भूख लगी थी सुबह, कुछ खाया भी नहीं था, ऐसे ही निकले थे। खाना हमने यहाँ पे खा लिया है, बाइक हमने पीछे रख लिया यहाँ की पार्किंग पीछे से इनकी। ढाबा है कि यहाँ पे रास्ते में ही पड़ता है लक्की दा ढाबा, ये ढाबा यहाँ पर। इसकी पार्किंग जो है वो बैक साइड से, हारिस ने वहाँ से बैक साइड बाइक पार्क कर लिया वहाँ से बैक साइड से। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ पे। इधर की शाही पनीर जो ये थाली देते बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो अभी पेट भर आया, अब बस डर है तो नींद का, नींद ना आ जाए बाइक पे, पेट तो फुल हो गया हमारा। चलिए चलते हैं, अभी बाइक निकालते हैं यहाँ से नीचे। हारिस बोल रहा है बाइक पे जाएंगे तो फिर नींद चढ़ जाएगी, अभी खाना खाया पेट भर के। तो शाही पनीर जी यहाँ की थी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो हारिस कह रहा है यहाँ पे बगल में ही एक चाय बेचते, तो यहाँ चाय पी लेते पहले, उसके बाद हम निकलते आग की तरफ। कहते यहाँ पे चाय जो मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है, तो अभी मैं कि चाय पीएंगे, देखते हैं यहाँ पे कैसी चाय मिलती है। एक कप 25 रुपए में यहाँ पे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाय है। ये हवेली का कुआं जो कि बहुत ज़्यादा गहरा है, दिखाई नहीं दे रहा है नीचे तक, और यहाँ से ये पानी चढ़ाती थी, फिर इसको पानी देते थे यहाँ से, तो ये फिर अपने घर यहाँ से पानी ले जाते थे दोनों। ये बेचारा नीचे ही बैठा रहता है, क्योंकि ये तो फिर इंसान जब शादी कर लेता है तो फिर उसकी हालत ऐसी हो जाती है इस तरह, तो फिर इसको पानी भर के देता, और ये बेचारी घर जाती थी खाना वाना पकाती थी। खाना पकाते पकाते इन लोगों ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, और इसी का नाम हवेली रख दिया। शादी करके क्या हालत हो जाता है। पंजाब और चंडीगढ़ के जो रास्ते हैं और यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर मकान वगैरह है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी, और साफ सफाई भी यहाँ पर अच्छी है, ये लोग वगैरह वो सारे भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अभी यहाँ से हम निकलते तो आगे की तरफ चलते हैं। चलते आगे। यहाँ की जो सड़क है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 4x4 लेन है, और इस टाइम नींद चढ़ती है क्योंकि रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है, लेन है सामने, तो नींद आ जाती है। Later. 50 किलोमीटर्स मैंने वहाँ से यहाँ तक चलाए, अभी हारिस चलाएगा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। यहाँ पे नारियल पानी बेचता है, तो यहाँ पे ये नारियल पानी एक पी लेता है। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तो पानी तो पीना चाहिए, लिक्विड तो पीना ज़रूरी है रास्ते में, तो अभी ये नारियल पानी पीते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। मैं कहीं 2 मिनट चला जाता हूँ व्लॉग बनाने के लिए, और इसे सारा ख़त्म कर दिया होता है। हाँ,
और इसका नारियल बहुत ही खूबसूरत है। फ्यूल भरने के लिए यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे हमने फ्यूल टैंक फुल कर ली, फ्यूल ख़त्म हो गया था हमारा, फ्यूल हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे 982 का हमने फ्यूल भरा है, यहाँ पे पठानकोट का यहाँ पे पेट्रोल पंप एक है, वहाँ पे हमने फ्यूल फुल किया। और यहाँ पे ठंडा पानी भी था कूलर का, मुँह भी धो लिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हारिस ने फ्यूल भर लिया, पहुँच गया यहाँ पर। मैं अपना बैग वैग लेता हूँ, हेलमेट उठाता हूँ, निकलते हैं यहाँ से। बड़ी ब्राम ना यहाँ पे रुके, पानी बोतल आई यहाँ पे, यहाँ से हमें राइट 5-10 मिनट लग जाएंगे हमारे होटल तक। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया, बहुत ज़्यादा थके निकल से। रूम में आपने पहुँच गए, ये रहा ब्लैंक है, चुप गया ब्लैंक है। आज कुछ खाएंगे क्योंकि बात लेट बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ